हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मयूर एस मोरे आपका स्वागत करता हूँ पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर है ऑर्गेनिक बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ऐसा इसका नाम था पहले, लेकिन अब इसका नाम रहा है सिर्फ और सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ट्वेल्थ का जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर है। हेलो अल्केन्स, हेलो अरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, सेकंड चैप्टर, तीसरा अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड चौथा अमाइंस। ये चारों चैप्टर के कॉन्सेप्ट, रिएक्शन अगर आपको समझने हैं तो ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर आपको 11th में रखा है और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो वो चारों चैप्टर समझने में और जीओसी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो इस चैप्टर में क्या है, पहली बात तो इंट्रोडक्शन कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग जो है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद कंडेंस फॉर्मूला है ना, कंडेंस फॉर्मूला के थ्रू आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या फिर आप उसको बोल सकते हो जिगजैग फॉर्मूला या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन में आता है आपका वेज फॉर्मूला। उसके बाद फिक्स्चर प्रोजेक्शन, पिक्चर प्रोजेक्शन के बाद आता है आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन के बाद आता है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन एंड अल्टीमेटली देन ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद विल लीड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसा है, लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों चीजें हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन द कार्बन स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन का जो साइज है, मतलब या तो उसमें रिंग है या तो उसमें चेन है, उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन है। और रिंग है तो क्या रिंग एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, उस तरह से उसका क्लासिफिकेशन होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब वो उसमें क्लासिफिकेशन कौन सा आता है, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये सारे कंपाउंड हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले। ठीक है, चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। तो बेटा जितने भी आसपास तुम लिविंग फॉर्म्स देखते हो, भले वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग हैं, जितने भी है, ईच एंड एवरी एनिमल, ईच एंड एवरी प्लांट, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी, इन सारे के जो बॉडीज है, ये बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट जो है वो है कार्बन। विदाउट कार्बन द लिविंग फॉर्म्स कैन नॉट सर्वाइव। लिविंग फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। ये जो कार्बन है, इसी कार्बन से सारे लिविंग फॉर्म्स के कंपाउंड्स, हमारी सेल्स, हमारे टिश्यूज, हमारे मसल्स, हमारे कार्टिलेज, हमारे बोन्स, हमारी आंखें, नेल्स, हेयर्स, ये सारे चीज़ों में कार्बन है और कार्बन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन एक्चुअली स्ट्रक्चरल, कार्बन इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ आवर बॉडी, नॉट जस्ट आवर बॉडी, इन मेनी केसेस। तो कार्बन लिविंग बींग्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। जहाँ तक नॉन लिविंग बींग्स की बात है तो कार्बन कहाँ नहीं है। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। क्लींजिंग, आप जो टॉयलेट क्लीनर होता है या सोप होता है, टूथपेस्ट होता है, प्लास्टिक्स है, पॉलीमर्स है, कपड़े है, कहाँ नहीं कार्बन है। पूरा के आपके आसपास का जितना भी जिंदगी आप देख रहे हो ना, तो वो लाइफ ऑफ योर्स एंड माइन एंड ईच वन ऑफ अस is actually influenced by organic compounds. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो कार्बन इज प्रेजेंट, इन ऑल लाइफ फॉर्म्स, और ये सब किस वजह से होता है? ये होता है because carbon can form compounds. Carbon can form compounds containing long chains, rings. Basically हम उसको बोलते हैं catenation. What do we call that as a? We call that as a catenation. कार्बन कंपाउंड्स आपके दिखाते हैं कैटेनेशन, और इस कैटेनेशन के वजह से ही कार्बन कंपाउंड बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, दैट मच इंट्रोडक्शन इज इनफ। क्या हमारा पूरा जिंदगी इज इन्फ्लुएंस्ड, आवर डे टू डे लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, चलो अब निकलते हैं आगे। अगला स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अब कार्बन कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रक्चरली कैसे किया जाता है? तो कार्बन कंपाउंड्स देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके बहुत सारे हैं। आप या तो कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हो कार्बन कंपाउंड का, या तो कंडेंस फॉर्मूला है, या तो जिगजैग फॉर्मूला है। ये जो जिगजैग फॉर्मूला है ना बेटा, इसी को बोला जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। जिगजैग फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा फिक्स्चर प्रोजेक्शन। फिक्स्चर प्रोजेक्शन है पेज डैश रिप्रेजेंटेशन है। और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है और सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो इतने सारे तरीके हैं कार्बन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने। ठीक है, उसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो है बेटा कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस फॉर्मूला जैसे नाम से ये सजेस्ट कर रहा है, तो देखो पहली बात तो मैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि अल्केन्स, जो अल्केन्स आपके हैं, अल्केन्स का जितने भी अल्केन्स आपको पता है पहले मैं वो सारे लिख लेता हूँ। लेट्स राइट ऑल दी अल्केन्स। अब अल्केन्स कौन से है बेटा? पहला है आपका मीथेन, है ना, इसके नाम भी लिखता हूँ मैं, मीथेन। उसके बाद है आपका इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। ठीक है, इथेन माने C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14 and हेप्टेन C7H16। तो इतने सारे कंपाउंड हैं। ठीक है, अभी भी पूरे नहीं हुए, ये आपको शायद 9th-10th में आए होंगे, इसलिए मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ये एक चैप्टर है, इसके बाद आगे हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन अभी हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए इनकी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, इसलिए मैं सबको 1 by 1 दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आई गेस अभी इनका जो स्ट्रक्चर है, तो मीथेन तो आप नॉर्मल लिख दोगे, इथेन कैसे लिखोगे? इथेन आप लिखोगे CH3। मीथेन कैसा है? ये ऐसा CH CH बराबर। इथेन कैसा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दैट्स हाउ यू राइट इथेन, C2H6 राइट। प्रोपेन कैसे लिखोगे? C3H8 CH3। अब ये जो है ना, ये CH3 ठीक है। अब प्रोपेन क्या आएगा? CH3 CH2 CH3 ऐसे आएगा। ब्यूटेन आप कैसे लिखोगे? CH3 CH2 CH2 CH3। पेंटेन पेंटेन आप लिखोगे CH3 CH2 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 CH3। अब देखना, अब मैंने सिर्फ पेंटेन तक लिखा है बेटा, आगे गया भी नहीं। अब ये स्ट्रक्चर बड़े बड़े होते जा रहे हैं। अब क्योंकि ये बड़े बड़े होते जा रहे हैं तो इनको शॉर्टकट में लिखने का कोई तरीका पता होना चाहिए, तो वो तरीका मैं तुमको बताने वाला हूँ कंडेंस फॉर्मूला में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनका कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहां से शुरू करते हैं ब्यूटेन से। ब्यूटेन में जरा देखना बेटा, ब्यूटेन में यहां पे CH3 है, यहां पे CH3 है, बीच में क्या है? बीच में आपके दो CH2 है। तो आप उसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे? CH3 CH2 ब्रैकेट दो CH2 CH3, ताकि आपको ये CH2 तीन चार बार ना लिखना पड़े। बस आप ब्रैकेट डाल दोगे और कितना नंबर ये लिख दोगे। यहाँ पे देखो पेंटेन जो है, पेंटेन में क्या है? दो CH3 के बीच में तीन CH2 है। तो आप उसको कैसे लिखोगे? CH3 CH2, ये CH2 कितनी बार? तीन बार आया, CH3 खत्म। वैसे ही आप हेक्सेन को लिख सकते हो। हेक्सेन को कैसे लिखोगे? CH3 और ये जो CH2 है ये बीच में आ रहा है चार बार, CH3, यह आ गया आपका हेक्सेन। हेप्टेन कैसा आएगा? CH3 CH2, CH2 आएगा पांच बार, फिर आएगा आपका CH3, है ना? सिंपल है कि नहीं? उसके बाद है आपका ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या है बेटा? C8H18। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या आएगा? अब कंडेंस फॉर्मूला में ये लाइट ग्रीन वाला जो है ना, या इसमें लिखता हूँ येलो वाले में, तो इसमें भी दो CH3 है, दो CH3 के बीच में छः CH2 है। ये देखो CH3 CH2 6 CH3। वैसे ही आपका नोनेन C9H20, इसका कैसे आएगा स्ट्रक्चर? CH3 CH2, इसमें सात बार CH2 आएगा, फिर CH3 एंड लास्टली आपका आएगा डीकेन। डीकेन का स्ट्रक्चर है C10H22, तो यह आएगा CH3, बीच में आपका CH2 कितने बार आएगा? आठ बार आएगा, और CH3। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है कंडेंस फॉर्मूला। ये भी आपके कंडेंस फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, वहीं पे ये लागू होगा। कहीं कहीं पे अगर ब्रांच आ जाएगी तो तुम्हारा कंडेंस फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज व्हाट द कंडेंस फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। आई गेस दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और जिगजैग फॉर्मूला। अब जिगजैग फॉर्मूला जो है उसका रिप्रेजेंटेशन या उसका इंडिकेशन लागू होगा या अप्लाई होगा प्रोपेन से, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसका एक डॉट लिखोगे? नहीं, सिंगल कार्बन है तो आप CH4 ही लिखोगे। अगर दो कार्बन है इथेन, तो उसको भी आप CH3 CH3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर तीन कार्बन है जो है C3H8 तो इसको आप रिवेशन कर सकते हो ये ऐसे। आप बोलोगे सर ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं बताता हूं कैसे, इसको कैसे समझना है बेटा। ये एक पॉइंट देखो, इस पॉइंट में बेटा जितने भी पॉइंट्स आ रहे उतने सारे कार्बन है। ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन या जिगजैग फॉर्मूला का एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आपको आप जो ये लिखते हो ना CH3 या कंडेंस फॉर्मूला में भी आप क्या लिखते हो CH3 -CH2, फिर ब्रैकेट डालते हो, फिर नंबर डालते हो, उसमें टाइम लगता है, उसमें टाइम लगता है और उसमें हाइड्रोजन भी लिखना पड़ता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बस देखना है तुमको कि कोई भी पॉइंट कितने पॉइंट को अटैच है। जितने पॉइंट को अटैच रहेगा वो कार्बन रहेंगे और वो पॉइंट छोड़ के जो वैलेंस है उसकी खाली है वहाँ पे रहेंगे हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल ये पहला वाला कार्बन देखो, ये इस एक वाले पॉइंट से ये अटैच है, ये एक वाला पॉइंट क्या है कार्बन है, तो बाकी तीन अटैचमेंट उसकी खाली है। तो तीन अटैचमेंट खाली मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा तुम्हारा हाइड्रोजन लाइक दिस। उसी तरह से ये कार्बन देखो, ये कार्बन बीच वाले कार्बन से अटैच है, तो अगर ये बीच वाले कार्बन से अटैच है मतलब उसका अटैचमेंट एक ही है, बाकी तीन अटैचमेंट तो उसकी खाली ही ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हो गया आपके तीन हाइड्रोजन। उसी तरह से ये कार्बन देखो, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो अगर ये दो कार्बन से अटैच है तो उसकी दो अटैचमेंट उसकी सेटिस्फाइड है, दो अटैचमेंट खाली है कि नहीं, तो उस दो अटैचमेंट की जगह पे क्या आएगा, उस दो अटैचमेंट की जगह पे आएंगे दो हाइड्रोजन लाइक दिस। सो दैट इज व्हाट द कंडेंस फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। अब मैं तुमको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है। आई गेस दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड कंडेंस फॉर्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या zigzag बॉन्ड लाइन नोटेशन या zigzag फॉर्मूला होता कैसा है, ठीक है। अगला है C4H10। C4H10 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये देखो 1 2 3 4। और इसमें कभी भी अगर तुम्हारा कंफ्यूजन होता है, इसमें तुम्हारा कंफ्यूजन कभी भी होता है कि सर ये लाइंस कितनी आएंगी, तो मैं तुमको बताता हूँ। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं बेटा, ये पॉइंट्स काउंट करने की, ये देखो कितने पॉइंट्स है, ये 1 2 3 4, 4 पॉइंट मतलब 4 कार्बन एटम खत्म। और 4 कार्बन एटम आएंगे तो 4 पॉइंट्स आएंगे और 3 लाइन्स आएंगी, यानी 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आएंगे। ये देखो 1 2 3 लाइक दैट, ठीक है। वैसे ही अगर तुम्हारा C5H12 है तो C5H12 का नोटेशन कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा हेक्सेन C6H14। C6H14 का नोटेशन कैसा आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 आएंगे राइट। अगर तुम्हारा C7H16 है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, 3 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दैट। अगर ऑक्टेन है C8H18 तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 like that right। Nonane C9H20 इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। and lastly आपका C10H22 इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट। सो दैट्स हाउ द बॉन्ड लाइन नोटेशन कैन बी रिटन फॉर द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो आई गेस दिस मच इज इनफ चलो आगे 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D रिप्रेजेंटेशन होता क्या है? देखो बेटा 3D रिप्रेजेंटेशन जो होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन में पहली बात ये समझो कि 3D रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। आपने 3D मूवी देखा है तो 3D मूवी में आपने देखा होगा कि जनरली जो मूवीज होते हैं 2D मूवीज, उसमें स्क्रीन पे जो कैरेक्टर दिखते हैं वो कैरेक्टर ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, राइट, या कभी ऊपर नीचे भी जाते हैं। अगर बिल्डिंग चढ़ रहे तो ऊपर जा रहे, नीचे बिल्डिंग से नीचे आ रहे तो नीचे भी आते, तो ऊपर नीचे बराबर, या फिर लेफ्ट टू राइट। कभी ये कैरेक्टर ऐसे सामने, तुम्हारे सामने ऐसे पर्दे के बाहर आते हैं, या कभी तुम पर्दे के अंदर जाते हो, नहीं, तो वो तुम्हारा थर्ड डायमेंशन है। तो जो तुमने 3D मूवी देखा होगा उसमें तुमने देखा होगा कि थॉर ने अगर समझ लो ऐसे उसका हैमर फेंका तो वो स्क्रीन से ऐसे बाहर आ रहा है, ऐसा तुमको दिखता है, राइट, ऐसा तुमको फील होता है, तो वो होता है तुम्हारा 3D मूवीज। तो 3D रिप्रेजेंटेशन मतलब वेर यू कैन गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू कैन गो टॉप टू बॉटम, यू कैन कम फॉरवर्ड, यू कैन गो बैकवर्ड, लाइक दैट। तो ये जो है, तो ये 3D रिप्रेजेंटेशन। तो 3D रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ें देखो कौन सी है। तो 3D रिप्रेजेंटेशन जनरली, अरे ये क्या आ गया, तो तुम्हारा जो वेज वाला फॉर्मूला है ना बेटा, वेज फॉर्मूला, या तो आप वेज फॉर्मूला पकड़ लो, वेज फॉर्मूला है, आगे तुम्हारा पिक्चर प्रोजेक्शन वेज है, पिक्चर प्रोजेक्शन है, उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों आपका वेज फॉर्मूला, फीचर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और इवन अ 100 हॉर्स पकड़ा तो भी चलेगा। तो ये तीनों के तीनों जो है, दीज आर द 3D रिप्रेजेंटेशन ओनली, ठीक है। अब उसमें से पहला देखते हैं वेज फॉर्मूला। अब वेज जो है ना बेटा, वेज में देखो दो तरह के वेज होते हैं। एक होता है तुम्हारा, पहले बात तो ये कि वेज का, वेज मतलब क्या, आपने पोटैटो वेजेस खाए कभी? ये देखो ये जो शेप है ना, इस शेप को बोला जाता है दिस शेप इज कॉल्ड एज वेज। अब ये जो शेप है, या तो आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये। अब यहां पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज थिक वेज। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं थिक वेज। और ये जो मैंने ड्रॉ किया है इस साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज डॉटेड वेज। तो इन दोनों को हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज करने वाले हैं। कैसे देखो, तो सबसे पहले जो कंपाउंड में लेने वाला हूं वो है तुम्हारा मीथेन, CH4। अब यहां पे एक बात समझना, यहां पे मैं 3D रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूं, यानी कुछ चीजें प्लेन में रहेंगी तुम्हारी। प्लेन में रहेंगी मतलब जो तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है उस स्क्रीन पे जैसी चीजें दिख रही है वैसी ही चीजें दिखेंगी। कुछ आपके स्क्रीन के अंदर जाएंगी, कुछ आपके स्क्रीन से बाहर आएंगी। तो जो आपका मीथेन है, मीथेन का रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये आपका थिक वेज है, ठीक है। और ये जो है, ये आपका डॉटेड वेज है। तो यहां पे ना बेटा, आपकी जो आंख है, आपकी आंख जो है वो इधर है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि आपकी आंख इधर है? जरा एक मिनट, अच्छे से ड्रॉ करता हूं मैं, जरा आंख सुंदर भी तो दिखनी चाहिए ना। या आपकी आंख, ठीक है, पीले पीले कलर की। और अगर किसी को चश्मा है, किसी को चश्मा है तो चश्मा है ना, जिसको चश्मा है उसको बुरा नहीं लगना चाहिए ये, ठीक है। तो ये मैंने क्यों ड्रॉ किया ऐसा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। अगर पेपर पे ड्रॉ किया है तो, बोर्ड पे ड्रॉ किया है तो बोर्ड पे, तो दिस इज प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्रोजेक्टिंग out of the plane of the paper, out of the plane of the paper और board। ये जो ये board है ना, electric board, board in our case, our case में ये board के बाहर project होके ऐसे आ रहा है। मतलब मैं बताता हूँ, और ये जो दो दिख रहे हैं, ये दो, these two ये भी, ये, दिस टू आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर। आप बोलोगे सर इन द प्लेन ऑफ द पेपर मतलब क्या, कि आपको ये जैसे दिख रहे हैं ये वैसे ही है, ये जैसे दिख रहे हैं ये वैसे ही है। और जहां तक इसकी बात है, ये डॉटेड वाला दिस इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, ये प्लेन के अंदर घुस रहा है। यानी ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड से ये बॉन्ड, इस बोर्ड से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे बाहर आ रहा है। ये दोनों इस बोर्ड पे जैसे दिख रहे हैं वैसे के वैसे ही है, और ये जो डॉटेड वाला है ये इस बोर्ड के अंदर घुस रहा है। तो दिस इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द पेपर और बोल्ड इन आवर केस, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंटेशन, ये देखो ऐसा है, ऐसा। तो इसमें ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर आपको दिख रहा है, ये जो मेरा इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड का, ये इंडेक्स फिंगर आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो ये वाला बॉन्ड है जो प्लेन से बाहर आपकी तरफ आ रहा है। ये जो दूसरा इंडेक्स फिंगर है, ये वाला देखो ऐसा, या फिर ये, हाँ ऐसा पकड़ते, ऐसा, ये जो है ये प्लेन के अंदर जा रहा है। और ये मेरा अंगूठा और ये मिडिल फिंगर उसी प्लेन में है और वैसे ही दिख रहे हैं जैसे मैंने ड्रॉ किया है। तो दैट इज व्हाट द 3D रिप्रेजेंटेशन बाय यूजिंग वेज फॉर्मूला इज ऑल अबाउट, ठीक है बेटा। तो बेसिकली इसमें ये जो थिक वेज है वो प्लेन से बाहर तुम्हारी आंखों की तरफ ये बॉन्ड आ रहा है, प्लेन से बाहर तुम्हारी आंखों की तरफ आ रहा है। ये दिस इज गोइंग अवे, अवे फ्रॉम यू इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। ये इस बॉन्ड को बोला जाता है, ये जो है ये पर्टिकुलर बॉन्ड, दिस इज कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। हम ऑब्जर्वर है ना, तो हमारी तरफ ये आ रहा है, कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। और जहां तक इसकी बात है, ये दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है, आ गया समझ में। दैट्स हाउ द वेज फॉर्मूला इज ऑल अबाउट। ओके बेटा, चलो अब देखते हैं अगला रिप्रेजेंटेशन, दैट इज योर पिक्चर प्रोजेक्शन। और पिक्चर प्रोजेक्शन में क्या है ना, पिक्चर प्रोजेक्शन में हम लोग सिर्फ स्टिक का इस्तेमाल करने वाले। स्टिक का इस्तेमाल मतलब कैसे, तो जरा ये कंपाउंड देखो, COH CH3 OH H OH H, या तो ऐसे, या फिर समझ लो आपने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन माने C4H10, तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, ये देखो ऐसे CH3, ये जो आपको दिख रहा है ना वर्टिकल लाइन, इट इज अ कार्बन कार्बन बॉन्ड। CH3 यहाँ पे बीच में CH2 है, हाइड्रोजन, क्योंकि ब्यूटेन C4H10 में क्या है CH3 CH2 CH2 CH3, वैसा ही है कि नहीं। ये क्या है बीच में, यहाँ पे तुम्हारा कार्बन है, यू आर हैविंग अ कार्बन हियर, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है बेटा, कार्बन है, ठीक है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना बेटा, ये वर्टिकल लाइंस में जो बॉन्ड्स है ये तुम्हारी तरफ आ रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी वेज फॉर्मूला में बताया कि सम बॉन्ड्स आर प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर टूवर्ड्स यू, सम बॉन्ड्स आर गोइंग अवे फ्रॉम यू और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो वर्टिकल लाइन वाले बॉन्ड्स है ना, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो बॉन्ड है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम यू। तो इसको अगर मैं ठीक से रिप्रेजेंट करूं, इक्वल टू अगर लिखूं इसको, तो ये ऐसा दिखेगा CH3, ठीक है, ये ऐसा CH3, और ये जो दो हाइड्रोजन है they are going away like this, ये देखो ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, like this. ये रिप्रेजेंटेशन दिस इज वॉट, क्योंकि ये हमने अभी अभी देखा तो तुमको समझने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं होगी। दैट्स हाउ बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशंस आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, फीचर प्रोजेक्शन एंड द वेज फॉर्मूला, ठीक है बेटा। चलो आगे निकलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये प्रोजेक्शन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पता है ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ना जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है ना, समझ लो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो इथेन पकड़ लो, ये कार्बन, ये कार्बन, तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इमेजिन करो कि ये बॉन्ड जो है इसको आपने ऐसा पकड़ा हुआ है, कैसा पकड़ा है, ये जो मॉलिक्यूल आपने इसको ऐसा पकड़ा हुआ है। तो अब अगर आप इसको ऐसे ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको आगे सिर्फ ऐसा एक सर्कल दिखेगा, राइट, और उस सर्कल पे क्या दिखेगा, एक पॉइंट। वो पॉइंट माने क्या है, कार्बन है। और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो आपको बस एक सर्कल दिखेगा, कार्बन दिखेगा क्या, नहीं। उस कार्बन के आसपास जो हाइड्रोजन है वो तुमको दिखेंगे, लेकिन आपको वो कार्बन नहीं दिखेगा। तो वैसा अगर किसी मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन होगा तो वो है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको लेता हूं इथेन C2H6। अब इथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, CH3 CH3, ये ऐसा है, राइट। अब जैसा मैंने बोला, इमेजिन करो कि आपकी जो आंख है वो ऐसी है, यहां से आप उसको देख रहे हो, ठीक है। तो पता है आपको ये कैसा दिखेगा, ये आपको आगे दिखेगा ऐसा एक पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे तीन हाइड्रोजन, ये ऐसे, और पीछे जो कार्बन है ये वाला, ये कार्बन आपको कैसे भी दिख सकता है, यानी या तो ये आपको ऐसा दिख सकता है, क्योंकि कार्बन नहीं दिखेगा आपको, आपको बस उस कार्बन से निकले हुए हाइड्रोजन दिखेंगे। तो ये हाइड्रोजन ऐसे अगर या तो बीच में आए होंगे आए हुए आपको दिख जाएंगे, या फिर आपको वो दिखेंगे ऐसे, यानी ये आपका है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दूसरा ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ये जो हुआ इसको बोलते हैं इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, ये है इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, और ये है स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन। अब ये इक्लिप्स स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन क्या है, ये हम लोग आगे यानी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ऑलरेडी देखने वाले हैं, तो तब देख लेंगे। अभी मैंने बस तुमको इंट्रोडक्शन दे देना था कि रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसलिए सोचा उतना ही बता दूं। ठीक है बेटा, चलो अभी निकलते हैं आगे। अगला है 100 हॉर्स फॉर्मूला। अब 100 हॉर्स में प्रेजेंटेशन होता कैसा है, 100 हॉर्स में ये जो मैंने इथेन ड्रॉ किया था ना, ये बस ये जो बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन का, उसको थोड़ा सा स्लैंटेड ड्रॉ करना है। स्लैंटेड यानी तिरछा, कैसा ड्रॉ करना है, तिरछा। ये देखो C2H6 लेना बहुत इजी रहता है रिप्रेजेंटेशन के लिए, CH3 CH3। देखो ये तिरछा ऐसा, या ऐसा तिरछा ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, और ये जो दो बॉन्ड्स है कार्बन हाइड्रोजन के, या तो ये ऐसे होंगे, ये देखो, या तो ऐसे होंगे, या फिर इसको ना आप घुमा दो ऐसे, इसको आप ऐसे घुमा दो, अब देखो मैं घुमा रहा हूं उसको, ये ना इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसको वैसा का वैसा ही रख रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, वैसे आप इसको भी घुमा सकते हो, इसको एक दूसरे को घुमाओगे ना तो आपको मिलेगा न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसमें आप इसको ऐसे उठा के एग्जैक्ट इसके ऊपर रख सकते हो, ये सर्कल ऐसा लेने का इसके ऊपर रख देने का, या फिर इसका सर्कल ऐसा लेने का यहां पे रख देने का, यू विल गेट न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। So that's how the carbon compounds are represented. ठीक है बेटा, तो I guess this much is enough for you to understand. चलो आगे निकलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, दे आर क्लासिफाइड इन टू वेज, दे आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, they are classified based on carbon skeleton, and दूसरा है they are classified based on functional group। तो या तो आप उनको functional group के basis पर classify कर सकते हो, या आप उनको carbon skeleton के basis के ऊपर classify कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब ये तो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग देखने वाले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ कार्बन स्केलेटन। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारे सामने है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली दो कैटेगरीज में मेनली क्लासिफाइड होते हैं। एक होता है तुम्हारा अरे कलर मुझे अलग लेना पड़ेगा, हाँ, असाइक्लिक और एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स। दूसरे होते हैं साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। असाइक्लिक और एलिफैटिक ओपन चेन हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं एग्जांपल दे दूं तो हमने अभी भी देखा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये सारे क्या है, ये असाइक्लिक या एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स है। ठीक है बेटा, अब साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड जो है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक मतलब क्या है, तो साइक्लिक कंपाउंड मतलब रिंग है, लेकिन रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन, रिंग इज मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एटम। अब कार्बन हाइड्रोजन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है तो उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है बेटा, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के कुछ बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। तो ये सारे जो एटम मैंने अभी बोले, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, इनको बोला जाता है हेटेरो एटम। मतलब कोई भी एक ऐसा एटम जो कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के है उनको बोला जाता है हेटेरो एटम। ठीक है बेटा? अरे इसके ऊपर कैसे हो गया? अरे 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 ये सारे इसके ऊपर आ गए। ठीक है, तो मैं यहां पे बस तुमको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि होमोसाइक्लिक क्या है, कार्बोसाइक्लिक क्या है। होमोसाइक्लिक मतलब रिंग्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम्स। होमो ना, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब अलग अलग। तो हेटेरोसाइक्लिक मतलब रिंग्स कंटेनिंग, अब देखो कार्बन हाइड्रोजन तो रिंग्स में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रोजन की रिंग बनेगी या सिर्फ ऑक्सीजन की बनेगी, बस कार्बन हाइड्रोजन के साथ वो एटम भी रहेंगे। तो रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, लाइक दैट। तो उस तरह के रिंग्स को बोला जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक में क्या, रिंग्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एटम। अब उसी में टाइप्स से एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जैसे कि तुम्हारा मीथेन है ना, मीथेन है, तुम्हारा इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ठीक है, एंड सो ऑन। इन सारे कंपाउंड्स को बोला जाता है असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, चलो आगे निकलते हैं। अब अगला है साइक्लिक कंपाउंड्स। और साइक्लिक कंपाउंड जैसा मैंने बोला, साइक्लिक कंपाउंड में क्या है, ये देखो, ये साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड में होती है रिंग्स, रिंग्स ऑफ एटम्स, एटम्स की रिंग्स होती है। ये देखो ऐसे, यहां पे कितने कार्बन है जरा काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और ये क्या है, रिंग है, तो इसको क्या बोलोगे बेटा, साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलोगे, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद ये साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, उसके बाद ये बेंजीन। तो ये सारे कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन फर्दर जो हम लोग देख रहे थे, पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, आगे एरोमेटिक भी है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ये देखो, हम लोग यहाँ पे थे, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड, भी है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एरोमेटिक के नीचे आपको दिखेगा बेंजेनॉइड एरोमेटिक और नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। वैसे हेटेरोसाइक्लिक में भी नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होता है, लेकिन पहले मैं आपको एलिसाइक्लिक कंपाउंड बताता हूँ क्या है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, rings containing only carbon atoms, जैसा हमने अभी भी देखा, साइक्लोप्रोपेन, ये क्या होगा बेटा, साइक्लोब्यूटेन, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, साइक्लोहेप्टेन, एंड सो ऑन। ऐसे साइक्लो ऑक्टेन भी होता है, लेकिन दिस मच इज इनफ। ठीक है, तो इन कंपाउंड में होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन। अब एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक इन नेचर। अब एरोमेटिक इन नेचर ये क्या है, ये आगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं बस बता देता हूं कि कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक इन नेचर, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड जो है बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड्स के फिर से दो टाइप है, बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड। एक होता है तुम्हारा बेंजेनॉइड एरोमेटिक, दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। अब बेंजेनॉइड एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो, ये देखो ये एरोमेटिक है, ये बीच में गोला दिख गया मतलब ये एरोमेटिक है। बेंजीन, बेंजीन का बड़ा भाई नैप्थलीन, ठीक है, इनका चाचा एंथ्रासिन जो इनसे भी बड़ा है और खूखार भी है, एंथ्रासिन। तो ये सारे बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहां पे देखेंगे नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है, जैसा कि ये देखो, ये है तुम्हारा फ्यूरान। ये फ्यूरान, ये बेंजीन का ना सौतेला भाई है, और ये पायरल उनकी बहन है। पायरल उनकी सौतेली बहन है। थायोपिन जो है ये उनका सौतेला चाचा है, थायोपिन। और इन सब की मां है पिरिडीन। ये पिरिडीन ने ना दो शादी, ये जो पिरिडीन तुमको दिख रहा है यहां पे, तो इस तरह से, तो ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड है लेकिन नॉन बेंजेनॉइड, ये एरोमेटिक कंपाउंड लेकिन बेंजेनॉइड। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज यहां पे बता देता हूं ग्राफ में ही, ग्राफ में नहीं चार्ट में, क्लासिफिकेशन में। तो ये तो मैंने बता दिया, ये बेंजेनॉइड वाला बता दिया, नॉन बेंजेनॉइड, एरोमेटिक, अलीसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक, रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब उसमें भी नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक है। अब हमने हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक अभी भी देखा, ये देखो, वो अलग बताने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि ये जो है ना, ये सारे जो है These are also हेटेरोसाइक्लिक। तुम खुद ही देखो ना, इनमें हेटेरो एटम है कि नहीं, साइक्लिक भी है और एरोमेटिक भी है, तो इनको क्या बोलोगे, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोसाइक्लिक होते हैं लेकिन नॉन एरोमेटिक होते हैं। उनके एग्जाम्पल मैं तुमको यहां पे बता देता हूं। ये देखो, ये इसको बोलते हैं टीएचएफ। टीएचएफ माने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। फिर आता है तुम्हारा पिपेरिडिन, ये वाला, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड, इनमें हेटेरो एटम है लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो दैट इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन बेस्ड ऑन अ कार्बन स्केलेटन इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो आई होप तुमको ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी बेटा, इजी चीज है सब। अब तुम्हारे लिए होमवर्क ये रहेगा, you need to practice all the क्या बोलते हैं, practice all the representations of organic compounds ठीक है, खास करके फिक्स्चर प्रोजेक्शन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलो या zigzag बोलो, बॉन्ड लाइन नोटेशन, zigzag फॉर्मूला, ठीक है, ये सारों का तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड बाकी क्लासिफिकेशन तो तुमको धीरे धीरे याद हो ही जाए। ठीक है, तो चलो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। वी विल सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ फंक्शनल ग्रुप एंड देन हम लोग आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी देखेंगे। लेकिन टिल देन बाय।